बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग इंशाल्लाह ताला ज्वाइन करते रहेंगे साथ साथ में। ओके जी, सो आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कल मैंने थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था और तीन गोल्स को हमने डिस्कस किया था। आपको क्विकली एक दो मिनट में मैं बता दूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली ये 2015 में कंट्रीज जब मिलके बैठे थे अपने एमडीजीज को रिव्यू करने के लिए, उसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए, तो वहाँ पे जब सारी कंट्रीज के जो डेलीगेट्स थे उन्होंने इसको डिस्कस किया कि जनाब 15 ईयर्स के जो हमारे टारगेट्स थे वो या तो अचीव नहीं हुए या अगर हुए तो उस कैपेसिटी में अचीव नहीं हुए जिस कैपेसिटी में आइडियली होने चाहिए थे। तो फिर कंट्रीज ने पुट फॉरवर्ड किया इन गोल्स को, जो 17 गोल्स हैं बेसिकली, और उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए इन गोल्स के ऊपर जाके अपने अपने कंट्रीज में अपनी अपनी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशंस बना के इनके ऊपर हम काम करेंगे और लेट्स होप के हम इनमें से बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकें। सो इनको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आज क्योंकि हम 2020 में हैं, 2030 तक के ये टारगेट्स हैं बेसिकली ये 17 गोल्स। सो आज दुनिया में जहाँ पे भी कम्युनिटी के अंदर काम हो रहा है, पब्लिक हेल्थ पे काम हो रहा है, एजुकेशन है, पावर्टी है, एनवायरमेंट है, फूड है, न्यूट्रिशन है, वाटर क्राइसिस है, वो सारे के सारा जो डिस्कशन है दैट इज अराउंड, डिस्कशन क्या इवन जो सारा फोकस है दैट इज अराउंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs जिसको हम कह रहे हैं। कल तीन गोल्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। बेसिकली वन वॉज एंड एक्सट्रीम पावर्टी, सेकेंड वॉज जीरो हंगर, थर्ड वॉज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और आज जिस गोल की हम बात करने जा रहे हैं गोल नंबर 4 है दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, आपको बेटे शायद कल याद हो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था फूड सिक्योरिटी वर्सेस फूड सेफ्टी का। सो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये है कि क्वांटिटी वाइज यानी नंबर्स के हिसाब से हमारी एजुकेशन का स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली अगर इस वक्त हम दुनिया में जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो देखें तो उनसे हमें पता चलता है कि बहुत बड़ा एक ह्यूज इनॉर्मस नंबर है बच्चों का जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है और वो बेसिकली एजुकेशन नहीं ले सकते। अच्छा, कुछ प्रोग्रेस भी हुई है ईयर 2000 से MDGs के अंदर, हमने काफी कुछ अचीव भी किया है। टोटल एनरोलमेंट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 91% तक पहुंच गई है, बट ये है कि अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज स्टिल लेफ्ट। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो मैं आपके लेक्चर के लिए स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, 22.8 मिलियन चिल्ड्रन, यानी रफली आप कह सकते हो 23 मिलियन चिल्ड्रन पीपल, सॉरी मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान। यानी ये बन जाते हैं रफली, अगर मैं आपको बताऊँ 23 मिलियन, तो ये 2 करोड़ 30 लाख के करीब। सो इट्स अ ह्यूज 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 नंबर, 2 करोड़ 30 लाख। और पहले तो हमें इस नंबर को ठीक करना है, ज़ाहिर क्वांटिटी अमाउंट नंबर, और फिर वंस वी डू दिस तो उसके बाद हमें जाके अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी बेटर करना है। अनफॉर्चुनेटली जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, कई बार आप मीडिया में या सोशल मीडिया में भी ऐसी न्यूज़ देखते होंगे कि जनाब पाकिस्तान की हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आती है। ऑन द अदर हैंड देर आर कंट्रीज, इंडिया की 2-3 यूनिवर्सिटीज आती हैं, US की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज टॉप 500 में आती हैं, UK की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज टॉप 500 के अंदर आती हैं। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली, चाहे वो ग्रास रूट लेवल हो, प्राइमरी एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन हो, या फिर वो हायर एजुकेशन हो, तो अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उसके अंदर नहीं है। बट फिर वही बात है कि पहले हमने नंबर पूरा करना है और फिर डेफिनेटली हम क्वालिटी की तरफ आ सकते हैं। नंबर 5 जो गोल है दैट इज जेंडर इक्वालिटी। ओके जी, सो जेंडर इक्वालिटी के अंदर आप अक्सर ये टर्म सुनते होंगे जेंडर एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट, खास तौर पे आप ये टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। सो जनाब बेसिकली जो इस का थीम था वो ये था कि वुमेन अभी तक एक ऐसा जेंडर है अंडर प्रिविलेज्ड जिनको उनकी वर्क के अकॉर्डिंगली पे नहीं किया जाता, चाहे वो प्रोफेशनली हो। जब हम हाउस होल्ड वर्क की बात करते हैं तो वहां पे तो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया जाता। बड़ा कॉमन एक हमारे बेटे
कहा जाता है कि जनाब हाउस वाइफ है तो अच्छा इसका मतलब है तुम कुछ नहीं करते, तो बीइंग अ हाउस वाइफ डज नॉट मीन कि आप कुछ नहीं करते, बल्कि प्रोबेबली शायद प्रोबेबली क्या डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट काम एक हाउस वाइफ का ही है, विच इज द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, जो कि आने वाली एक पूरी जनरेशन की फाउंडेशन को ले डाउन कर रहे हैं आप, ठीक है। और अगर उसके अंदर फ्लॉज होंगे, उस अपब्रिंगिंग के अंदर फ्लॉज होंगे, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि आने वाली पूरी जनरेशन की अपब्रिंगिंग में फ्लॉज होंगे। सो अच्छा, अब वेस्ट में हाउस वाइफ की टर्म वैसे भी ऑब्सोलीट होती जा रही है, अब जो वो टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज होम मेकर, विच मेक्स मच मोर सेंस। होम मेकर जो अब टर्म है वो यूज हो रही है, कि हाउस वाइफ से यही इम्प्रेशन या यही यू नो रिस्पॉन्स मिलता है कि अच्छा हाउस वाइफ मीन्स द वन हु स्टेज एट होम एंड डज नथिंग बेसिकली, है ना, कि एक्चुअली इससे बिल्कुल डिफरेंट है कहानी। अच्छा जी, अब इसी तरह से जब हम पाकिस्तान जैसे और डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, जब हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं, जैसे पिछले गोल में हम डिस्कस कर रहे थे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर, तो वहां पे भी गर्ल जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका जो नंबर है आउट ऑफ स्कूल का वो ज्यादा है कम्पेयर टू बॉयज, तो ये भी एक चीज है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। अच्छा, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज पढ़ते हो अखबार में, तो वहां पे बड़ा स्पेसिफिकली लिखा होता है, आपने शायद ये टर्म या फ्रेज पढ़ी होगी, वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, यानी हम जेंडर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, सो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एज लॉन्ग एज द कैंडिडेट इज फुलफिलिंग ऑल आर रिक्वायरमेंट्स, वो हमारी जॉब स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल कर रहा है, तो जनाब हम उसको हायर करेंगे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर जनाब इसी तरह जो मैं हमेशा आपसे बात करता होता हूँ कि जब हम जेंडर की बात करते हैं पब्लिक हेल्थ में, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मेल्स एंड फीमेल्स, इट्स आल्सो अबाउट ट्रांसजेंडर्स। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स वो वाला अनफॉर्चुनेटली अंडर प्रिविलेज्ड कोहॉर्ट है, अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है, जिनको अपने राइट्स कभी भी नहीं मिले, पूरी दुनिया में खैर नहीं मिलते उस तरह से जिस तरह मेल्स या फीमेल्स को मिलते हैं, पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। अनफॉर्चुनेटली आज से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2014 से पहले ट्रांसजेंडर्स के आईडी कार्ड्स भी नहीं बनते थे पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर लॉ आया, लेजिस्लेशन हुई और अब ट्रांसजेंडर्स के एटलीस्ट कार्ड्स बनते हैं एंड दे आर डेफिनेटली रिकॉग्नाइज्ड एज citizens of Pakistan, just like males or females, जैसे भी हैं। Again, transgenders को लेके बहुत सारी discrimination होती है हमारी society को लेके, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी इनका जो profession है they generally dance around the streets और वो और बहुत सारी चीजें कहते हैं उनके बारे में, but the thing is अगर आप इसको थोड़ा सा broad way में सोचो, तो क्या हमने उनको बेटे कोई ऑप्शन दी है, क्या हम उनको अलाउ करते हैं कोई और काम करने के लिए, क्या हम उनका मजाक नहीं उड़ाते ऑल द टाइम फॉर समथिंग विच इन विच दे डोंट हैव एनी चॉइस, फॉर समथिंग विच इज एब्सोल्युटली नेचुरल टू देम, फॉर समथिंग इन विच दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, सो क्या उसमें हमारा कहीं ना कहीं फॉल्ट नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर, और इवन हम अपनी डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी उनको रखने के लिए तैयार नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारे घर कोई ट्रांसजेंडर डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी कोई आए, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर व्हाट इज द ऑप्शन व्हिच दे हैव, सो डेफिनेटली वो वही ऑप्शन है बेचारे जिसको वो अवेल करते हैं, हमने उनके लिए कोई ऑप्शन और नहीं दी हुई अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जनाब, नेक्स्ट जो हमारा गोल है दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त वाटर क्राइसिस एक बहुत बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, अब जो फिगर्स हैं वो थोड़े से मैं आपको बता दूं कि तकरीबन दुनिया की जो 40% पॉपुलेशन है बेटे, दैट इज अफेक्टेड बाय वाटर शॉर्टेज और वाटर स्कार्सिटी, 40% पॉपुलेशन। सो वी शुड ऑल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हम उस 40% में नहीं आते बेसिकली। अच्छा, और ये नंबर क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ये नंबर भी ग्रो कर रहा है, प्रोजेक्शंस ये बता रही हैं कि बाय द ईयर 2050 पूरी दुनिया में 1 out of every 4 पीपल विल बी अफेक्टेड बाय वाटर शॉर्टेज, और इसके लिए हमें डेफिनेटली बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरियाज हैं, थर में अभी भी फीमेल्स अपने सरों के ऊपर वो बर्तन उठा के मटके उठा के बहुत बहुत दूर से जाके
वाटर को फेच करके लाती हैं, और आपने आई एम क्वाइट श्योर सोशल मीडिया पे वो पिक्चर जरूर देखी होगी पाकिस्तान में थर की, सिंध की, जहाँ पे एक बच्चा पानी पी रहा है एक यू नो कंटेनर से, और उसी कंटेनर से सेम कंटेनर से एक जो है वो एनिमल, प्रॉब्ली वो बफेलो है या क्या है, वो भी पानी पी रहा है. सो दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स विच इवन which is existing in some parts of our country as well. So all the time we should be very, very very thankful, and we should be very, very careful at the same time regarding the wastage of water. Pakistan mein modern cities ke andar bada common hai, Islamabad mein kai baar main dekhta hu ki ji logon ne wo apni pipe lagayi hui hai aur apni gaadi ko dho rahe hain aur pani sara waste ho raha hai and all that. So we need to be really, really careful about that. Achha, goal number 7 hai affordable and clean energy. Energy crisis bhi bahut common hai. Aapne आपको याद होगा प्रॉब्ली आज से कोई 10-12 साल पहले जब लोड शेडिंग करने आना इशू स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, बहुत सीवियर इशू हर साल समर्स में, खैर अभी भी होता है, थैंकफुली कुछ कम हो गया है बिकॉज ऑफ सम इम्प्रूवमेंट इन पाकिस्तान, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा इशू है. सो जनाब वो ये फैक्ट्स फिगर्स ये बता रहे हैं कि बिटवीन 1990 एंड 2010 द नंबर ऑफ पीपल विद एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज्ड बाय 1.7 बिलियन, यानी 20 साल में 1990 से लेकर 2010 तक 1.7 बिलियन नए लोग ऐसे थे जिनको इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस हुई. बट प्रॉब्लम यह है कि जनाब ये नंबर भी थोड़ा है, अभी भी दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल उसकी एक्सेस नहीं है, और जहां है भी जैसे पाकिस्तान में तो शॉर्टेज या शॉर्टफॉल जिसको आप खबरों में अक्सर वो टर्म सुनते होंगे, वो जनाब बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं. सो वी रियली रियली need to work on this as well. Or better always remember, iska matlab sirf aur sirf nahi hai ki humne definitely wo dam banana ya electricity produce karne ke naye means dhoondna, wo bahut important hai, but to save whatever we have right now is also very, very important. Say for example, it is a very common phenomena. Hum log apne gharon mein bhi dekhte hain, hum kamre mein nahi baithe aur kamre ki light on hai ya fan on hai ya AC chal raha hai garmiyon mein. अगर मैं बात करूँ हम कमरे में नहीं है और टेलीविजन वहां पे चल रहा है, तो दैट इज हाउ वी कैन एक्चुअली सेव इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह अगर मैं आपको डेवलप्ड कंट्रीज की एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स में समवन वाज टेलिंग मी कि रात 9 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट कोई शॉप खुली हुई नहीं मिलती सिवाय कोई फार्मेसी वगैरह की. सो दैट इज हाउ दे सेव एनर्जी, और वो बहुत छोटा सा कंट्री है एंड दैट इज a very, very stable country in terms of economy. But still, they so much care about their electricity and saving electricity. Or, इसी तरह से अगर आप अपने इर्द-गिर्द देखो तो आपको बहुत सारे ऐसे issues नजर आएंगे. Unfortunately, हम लोग के पास वो awareness नहीं है जिस level की इन चीज़ों के अंदर चाहिए होती है. University में it's a very common phenomenon. Sometimes मैं जाके classrooms के fans और lights बंद कर रहा हूँ तो हम ये समझते हैं कि अच्छा okay, university में है तो do we really need to care, हमने कौन सा अपनी जेब से बिल देना ना. घर में तो शायद हम खुद थोड़ा सा उस चीज को सीरियसली ले भी लें कि नहीं जी बिल आएगा तो यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी हैज टू पे तो व्हाई शुड वी केयर. तो दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग एटीट्यूड. वी नीड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, और ये बेसिक एथिक्स भी आपको ये सिखाते हैं. ठीक है, नंबर 8 गोल इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. अच्छा जनाब, अब जनाब हुआ ये है कि जॉब मार्केट जाहिर इंक्रीज हुई है पिछले कुछ अरसे में, बट प्रॉब्लम यह है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है स्पेसिफिकली इन डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश. यूथ जो है वो मेजर पार्ट है आपकी पॉपुलेशन का, और यूथ बहुत बड़ा एक चंक ऐसा है जो अपने हाथ में डिग्रीज लेके फिर रहा है और उनके पास अनफॉर्चुनेटली जॉब्स नहीं है. स्पेसिफिकली जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, वेस्ट में तो नहीं बट इंडिया पाकिस्तान में साउथ एशिया में मेल्स आर द ब्रेड विनर्स. यानी मेल अगर अर्निंग नहीं करता तो डेफिनेटली ही विल नॉट बी एबल टू गेट मैरिड और आगे जिंदगी नहीं चल सकती. तो जनाब ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टू फाइंड डिसेंट वर्क. डिसेंट मीन्स कि नहीं एक ऐसा कंसिडरेबल उसकी आपको रिटर्न मिलता हो इन द फॉर्म ऑफ मनी जिससे आप अपनी एक फैमिली एक बहुत लग्जरियस लाइफ तो अगर नहीं बट एक यू नो बेसिक नेसेसिटीज भी आप उसको पूरी कर सकते हैं. अच्छा इसके अलावा बेटे डिसेंट वर्क की जब हम बात करते हैं तो इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज हैं. सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम बात नहीं करते बल्कि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे लोगों को बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाई जाती है, उनसे फोर्स्ड स्लेवरी करवाई जाती है. जैसे पुराने जमाने में आप इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ते होते थे कि जी गुलाम होते थे, वो आज की दुनिया में भी अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट कर रहा है. यू माइट बी सरप्राइज्ड टू नो
forced labor karwai jati hai. Human trafficking is, but it's a huge public health issue across the world. मैं बड़े टेरिबल से स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था साउथ एशिया के, तो वहां पे मुझे पता चला कि इंडिया में हर 8 मिनट के बाद अ गर्ल चाइल्ड गोज मिसिंग. हर 8 मिनट के बाद एटलीस्ट मेरे लिए वो बहुत ही कोई स्केरी सा फिगर था. यानी अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हर 1 घंटे बाद कोई 7 से 8 बच्चियां गायब हो जाती हैं, किडनैप हो जाती हैं, और उनको फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए रैकेट्स हैं बहुत बड़े बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, जो उनको डिफरेंट कंट्रीज में ले जाते हैं, उनसे फोर्स्ड यू नो प्रोस्टिट्यूशन या इस तरह के जो भी काम है वो करवाते हैं. सो इट्स अ ह्यूज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब. अच्छा, सिर्फ ये साउथ एशिया तक नहीं है, फिलिपींस से बहुत ज्यादा फीमेल्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई होती है. चाइना से बहुत एक बड़ी तादाद है वुमेन की जो यूएई में जाके ट्रैफिकिंग के थ्रू उनको लेके जाया जाता है, उनसे फोर्स्ड यू नो प्रोस्टिट्यूशन करवाई जाती है. इसी तरह बेटी यूरोपियन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल बल्गेरिया इज वन कंट्री जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है, और इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, और सो मच सो के वहाँ पे लोग को फीमेल्स को यू नो बांध के रखा जाता है. यू कैन नॉट इवन इमेजिन, मैं ये यूरोपियन कंट्री की मैं बात बता रहा हूँ और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बता रहा हूँ, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू है. सो दिस इज व्हाट दे होप टू एंड बाय द ईयर 2030. अच्छा जी, 9th गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो बेसिकली ये गोल ये कहता है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को फर्दर स्ट्रेंथन करना है, इनोवेशन को हमने इम्प्रूव करना है. इनोवेशन बेटे कहते हैं नहीं, कोई नई चीज को इन्वेंट करना, और जाहिर है हमारी कोई भी इन्वेंशन होती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें, मैनकाइंड का किस तरह से बेनिफिट हो सके. और जनाब जिस तरह आजकल भी आप लोग सुन रहे हो कि कोरोना की वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है, होपफुली ये अगर हो जाता है तो इट विल बी अ ह्यूज स्टेप. 10 नंबर गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी. सो जनाब गोल ये है कि अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखो तो हो ये रहा है कि जो अमीर है वो और अमीर हुआ जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब हुआ जा रहा है, और वो जो डिफ्रेंसिएशन है वो बहुत वाइड होती जा रही है. ठीक है ना, अगर अमीर है तो बहुत ही अमीर है. पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि लोग जहाज लेके फिर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं. और अगर वो गरीब है तो वो इस हद तक है कि लोग, आपने ऐसी न्यूज डेफिनेटली सुनी होंगी कि जी गुर्बत से तंग आके माँ ने 4 बच्चों का गला दबाया और सुसाइड कर ली खुद. आप सुनते रहते हो ऐसी न्यूज आए दिन अनफॉर्चुनेटली. तो दोनों तरह की एक्सट्रीम्स हैं. तो गोल हमारा ये है कि इस गैप को कम किया जाए, और ये जो लोग हैं इनकी इनइक्वालिटीज को कम किया जाए. अच्छा, जब इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में तो बेटे फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा होती है, और क्राइम भी बहुत ज्यादा इस वजह से हो सकता है. ठीक है, गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज. अच्छा, अब जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक टू पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जाहिर है हमारी, हम पब्लिक हेल्थ में बात ही कम्युनिटी हेल्थ की करते हैं, पॉपुलेशन हेल्थ की करते हैं. अच्छा, अब जनाब प्रॉब्लम ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीज, तो दुनिया में इस वक्त 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो इस वक्त सिटीज के अंदर है. ठीक है जनाब, और जो सिटीज की पॉपुलेशन है दैट इज ग्रोइंग एट एन इनॉर्मस रेट. ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि 1990 में दुनिया में 10 ऐसे शहर थे जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा थी, और इन सिटीज को हम कहते होते हैं मेगा सिटीज. नाम से पता चल रहा है मेगा मीन समथिंग विच इज वेरी ह्यूज. मेगा सिटीज यानी 1990 में देयर वर 10 मेगा सिटीज, ओनली 10 मेगा सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा थी. 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ से ज्यादा थी. ठीक है, आज जो है वो मेगा सिटीज 2014 के बल्कि फिगर यहाँ पे कोट किए हैं क्योंकि सारे ये गोल्स 2015 में बने थे, अब शायद इसमें भी 2-3 और ऐड हो गए. 2014 में जो मेगा सिटीज थे वो 28 थे, यानी 10 से बढ़ के कितने हो गए, 28 हो गए. और इन मेगा सिटीज की पॉपुलेशन अगर इसको टोटल करें तो ये बन जाती है 453 मिलियन. ठीक है जी, सो
वो ये कह रहे हैं, गोल ये है कि सिटीज को सस्टेनेबल बनाएं रादर देन कि हम उन्हीं सिटीज की पॉपुलेशन को इंक्रीज करते जाएं करते जाएं करते जाएं और वो इतने बड़े सिटीज बन जाएं कि जनाब उनको किसी भी तरह से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रैफिक जैम हो, चाहे वो हेल्थ हो, क्योंकि जाहिर है जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उनकी हेल्थ नीड्स को भी केटर करना है, हॉस्पिटल भी बनानी है, डॉक्टर्स भी चाहिए, स्कूल्स भी चाहिए, कॉलेजेस भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज भी चाहिए, मॉन्टेसरीज भी चाहिए, फिर जनाब इस तरह से मार्केट्स भी चाहिए, शॉपिंग प्लाजा भी चाहिए, पार्किंग लॉट्स भी चाहिए, रोड्स भी खुली चाहिए। सो उनका गोल ये है कि सिटीज को सस्टेनेबल बनाया जाए और जरूरी नहीं कि एक ही सिटी को हम एक्सपेंड करते हैं, बल्कि वी नीड टू बिल्ड मोर सिटीज। आप में से जो लोग इस्लामाबाद वाले हैं वो अपने अगर पेरेंट्स से पूछो तो आज से बेटे 15 साल पहले ये जो हम एक्सप्रेस वे पे जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी भी है, राइट और लेफ्ट पर देट इज PWD और DHA और बहरिया और कोरंग और XYZ, देयर आर सो मेनी सोसाइटीज 30-35 के करीब है। तो आज से 15 साल पहले देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल सोसाइटी, मगरब के बाद कोई साइड जाया नहीं करता था, बिकॉज इट वॉज नॉट, द रोड वॉज नॉट यूज बाय अ लॉट ऑफ पीपल। तो आज वहाँ ट्रैफिक जाम्स हमें हर वक्त देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये वो स्पेसिफिकली इश्यूज हैं जो पॉपुलेशन सिटीज के एक्सपैंड करने से हो सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी इस वक्त 2 ऐसे मेगा सिटीज हैं, कराची एंड लाहौर। कराची की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ है, बल्कि उससे भी ज्यादा कोट करते हैं। लाहौर की पॉपुलेशन भी 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। तो मेगा सिटीज की अगर बात करें तो पाकिस्तान में दे रहा है 2 मेगा सिटीज। गोल नंबर 12 इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अच्छा जी, सो जनाब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की जब हमारी बात आती है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जाहिर है बीइंग डाइटिशियन हम इसके अंदर फूड को ले सकते हैं किसी भी चीज की, वैसे वो इन जनरल कह रहे हैं, बट हम अगर फूड की भी बात करें तो कंजम्पशन में शायद प्रॉब्ली कल आप लोगों से ही बात कर रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि जी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हमारे जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं 30-35%। तो अगर हम सेंसिबली कंज्यूम करें, घर में देखो इतना कितना कॉमन फेनोमेना है कि हम घर में जब रोटी बनाते हैं तो अक्सर खाने के बाद एक रोटी बच जाती है या 2 रोटी बच जाती है। तो आई मीन देयर इज नो हार्म, जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमेशा घर वाले पूछ के बनाते थे कितनी रोटी खानी है, ठीक है। तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट सो दैट यू कैन कंज्यूम सेंसिबली। और आप इमेजिन कर लो जरा कि एक स्ट्रीट के लगा लो, एक ब्लॉक के लगा लो, एक सेक्टर के लगा लो, एक मोहल्ले के लगा लो और उसको जरा मल्टीप्लाई करते जाओ, एक सिटी के लगा लो, हाउस होल्ड कितना फूड डेली बेसिस पे जो वेस्ट होता है वो अगर उसको आप मल्टीप्लाई या एड अप इनफैक्ट कर लो तो वो कितने टन्स, 1000 टन्स रोजाना की बेसिस पे एक सिटी का बन सकता है और उससे कितने लोग को हम फीड कर सकते हैं। कल जो हम फिगर्स पढ़े थे कि जी 1 out of 9 एवरी 9 person goes to bed with an empty stomach, तो उसको हम कितना cut down कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी responsibility है। और इसी तरह सिर्फ consumption food की नहीं, कि किसी भी चीज की consumption जरूरी नहीं सिर्फ material चीजों की हो बल्कि other than this भी। अच्छा जी, goal number 13 है climate action। और उस पर मैं क्या बात करूँ बेटे, पूरी दुनिया में मेरा ख्याल इस वक्त सबसे बड़ा जो issue है, one of the biggest issues, that is climate changes, और हमारी अपनी गलतियों की वजह से इतने ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट के अंदर। ऐसे कंट्रीज में गर्मी आ गई है जहाँ पे गर्मी कभी नहीं होती थी, ऐसे कंट्रीज में ठंड होना शुरू हो गई जहाँ पे ठंड कभी नहीं होती थी। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग का बेटे आपने नाम सुना होगा, ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन, आप लोग FSC में इनफैक्ट केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर होता था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनवायरमेंट वाला सेकेंड लास्ट होता था, तो उसके अंदर आप लोग पढ़ के आए हो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन। हमारे जो एसिस चलते हैं आज, देखो जब हम छोटे छोटे होते थे, 100 साल पुरानी बात नहीं बता रहा, बट जब हम छोटे छोटे होते थे, चलो 150 साल पुरानी बात लेट से, सो उस वक्त घर में एक एसी भी नहीं होता था। आज एक एक घर में हर कमरे के अंदर एसी है और एक एक घर में 3-3, 4-4, 5-5 एसी है। गाड़ियों में एसी नहीं हुआ करते थे उस वक्त, आज आप रोड अगर पैदल क्रॉस करो तो आपको वो सारी हीट, वो जो एसी गाड़ी से उठा के बाहर फेंक रहा होता है वो आपको फील होती है। आप गाड़ी के पास से कहीं से भी गुजरो तो आपको वो फील हो रहा होता है। हर ऑलमोस्ट हर गाड़ी में, इस्लामाबाद जैसे एक बड़े सिटी की अगर मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर एसी है। तो ये वो सारी क्लाइमेट, और इसकी वजह से आपको पता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेटर की गैसेज और एयर कंडीशन रिस्पेक्ट यूनिट्स की गैसेज जाके ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती हैं, सो वो डिस्ट्रक्शन हो रही है। उससे यूवी रेज बहुत ज्यादा पहुंच रही है, स्किन कैंसर उसकी वजह से हो रहे हैं दुनिया में, क्लाइमेट चेंजेस हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, दरख्तों को काटी जा रही है, ऑक्सीजन कम हुई जा रही है। सो यू नो ये वो सारी चेंजेस हैं जो हमारी गलतियों की वजह से हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट है जनाब गोल नंबर 14 इज लाइफ बिलो वाटर।
अच्छा अब जनाब इशू सबसे बड़ा ये है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 3 बिलियन, मिलियन नहीं कह रहा बेटे, 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो मेरीन लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी लिवलीहुड के लिए। यानी लिवलीहुड का मतलब है कि पैसे कमाने के लिए वो डिपेंड कर रहे होते हैं मेरीन लाइफ के अंदर, जिसके अंदर फिशरमैन होते हैं, बहुत सारे जो जनाब मछली पकड़ते हैं उसको बेचते हैं, तो उनके घर खाना बनता है। ठीक है जी। सो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी पोल्यूशन बढ़ रही है ऑब्वियसली, और जितनी पोल्यूशन बढ़ रही है वो पोल्यूशन सारी की सारी डंप कहाँ जाके हो रही है, वो हो रही है बेसिकली कोस्टल एरियाज के। ठीक है। और जनाब मसला ये है कि ये जो वाटर है मरीन वाटर, ये बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है, और वो जो एसिडिक मरीन वाटर है ये हमारी मरीन लाइफ के लिए इंतहा से ज्यादा डेंजरस है। और इसी तरह से इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हो गई हैं, तो इंडस्ट्रीज का जितना वेस्ट मटेरियल है, हैवी मेटल्स, आपको पता है हैवी मेटल्स जितने भी होते हैं, टिन, मर्करी, लेड, ये सारे कार्सिनोजेन होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं, तो जितना वेस्ट है इंडस्ट्रीज का वो सारे का सारा कहाँ पे जा रहा है, वो मरीन वाटर के अंदर जा, मरीन वाटर होता है समंदर का पानी जो होता है, ठीक है, और वहां पे जाके डेफिनेटली क्या करे, उस वाटर को कंटेमिनेट करे। अब फिश का होम क्या है, फिश का हैबिटेट क्या है, मरीन वाटर है, तो मेरीन वाटर में जब वो फिश रह रही है और वहां पे उनके यू नो हैवी मेटल्स हैं सारे, तो क्या होगा, उनको भी वो इफेक्ट्स आ रहे होंगे, जब हम फिश को कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली हमें भी वो इफेक्ट्स आ रहे होंगे, द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जनाब आप अपना पोल्यूशन को कंट्रोल करें। अच्छा एक और बहुत बड़ा इशू जो इसी मेरीन लाइफ से एसोसिएटेड है डायरेक्टली, वो है प्लास्टिक, यूज ऑफ प्लास्टिक। ऑलवेज रिमेंबर बेटे, प्लास्टिक इज द चीपेस्ट मटीरियल ऑन द अर्थ, और प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता। आज आप अपने किचन में जाओ, कहीं पे जाओ, आपको प्लास्टिक से भरे हुए हमारे घर और हमारे किचन मिलेंगे। सो डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक, इवन एज डाइटिशियन हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते प्लास्टिक यूज को, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में अगर हम खाना डालते हैं तो बहुत सारे कंटेंट्स लीच डाउन होके हमारे खाने में आते हैं, और जो जनाब हमारा क्या कॉज करते हैं, कैंसर कॉज कर रहे होते हैं। सो इवन एज डाइटिशियंस वी नेवर एवर रेकमेंड यूज ऑफ प्लास्टिक्स। आजकल इवन बच्चों के लंच बॉक्सेस आप देखो तो वो भी सारे के सारे प्लास्टिक लंच बॉक्सेस हैं। बॉटल्स देख लो तो हम जितनी यूनिवर्सिटी में आगे गर्मी आने वाली है, जितनी बॉटल्स हम यूज करते हैं, ये जो हम एक बार मार्केट से वाटर परचेज करते हैं और वो बॉटल हम जिंदगी में कभी फेंकते नहीं है दोबारा, तो वो सब प्लास्टिक का बना हुआ है, तो दैट इज नेवर एवर अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक, और वही प्लास्टिक फिर मैंने जैसे बताया डिग्रेड नहीं होता, एक्युमुलेट होता रहता है, और जनाब फिगर्स ये बता रहे हैं कि 13,000 पीसेज ऑफ प्लास्टिक है ऑन एवरी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ओशन। कैन यू इमेजिन 13,000 पीसेज ऑफ प्लास्टिक लिटर, 13,000 फॉर एवरी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ओशन। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे फिश सर्वाइव करेगी आपसे 10-15-20 साल के बाद, बहुत मुश्किल है। और फिर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे लोगों को चीजों की इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती और लोग जस्ट कमेंट करना शुरू कर देते हैं अननेसेसरीली, वहां पे एक बहुत अच्छा फाइनली किसी को गलती से शायद ख्याल आ गया शॉपिंग बैग्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा के इस्लामाबाद की, मैं एटलीस्ट बात करूँ, बाकी शहरों में मुझे पता नहीं हुआ, एंड पीपल वर स्टिल मेकिंग कंप्लेंट्स कि जी अब हम सौदा क्या हाथ में उठा के लाएं, क्या करेंगे, करें। सो यू नो अगर कोई गलती से कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर ही लेती है तो उसके ऊपर भी फिर हमारे अपनी रिजर्वेशन आ जाती है, तो देर इज नो हार्म कि आप घर से कपड़े का थैला एक उठा के ले जाएं। वेस्ट, वैसे हम हर चीज में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वेदर इट इज फैशन और वेदर इट इज एनीथिंग एल्स, तो यहाँ पे हम वेस्ट को फॉलो नहीं कर सकते किसी अच्छी चीज के अंदर। वेस्ट में कहीं पे भी आपको शॉपिंग बैग से मिलता है, आपके जो रिलेटिव बाहर से आते हैं यूरोप से या डेवलप्ड कंट्री से, आप उनसे कभी पूछ के देख लो, तो वहाँ पे बांग्लादेश इवन तो सच्चा बेचारा गया गुजरा मुल्क है हमारे से भी, तो वहाँ पे प्लास्टिक बैग्स पे कब की वो रिस्ट्रिक्शन लगा चुकी है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वी रियली रियली नीड टू डू। नंबर नेक्स्ट जो गोल है लाइफ ऑन लैंड, डेफिनेटली लाइफ ऑन लैंड के अंदर उनका जो मेजर गोल है वो डिफॉरेस्टेशन के ऊपर है। डिफॉरेस्टेशन का बेटे मतलब होता है ट्रीज को कट डाउन करना, और डेफिनेटली आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें लोग के लिए ज्यादा घर चाहिए, लोग के लिए ज्यादा शॉपिंग प्लाजा चाहिए, सिनेमास चाहिए, प्ले ग्राउंड्स को और एग्रीकल्चरल लैंड को, इन चीजों को, फॉरेस्ट को कट डाउन कर करके हम ये सारी चीजें बना रहे हैं, विच इज नॉट गुड। फॉरेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट बेटे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी कंट्री का 25% एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स। कितना एरिया? 25% एरिया
of any country should be covered by forests. So, आपको पता है पाकिस्तान में figure 4.5% होता था जिस जमाने में हम लोग schools में थे, और अब ये figure unfortunately सिर्फ 2% रह गया. यानी आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान का only 2% area is covered by forests. So, expert कितना बता रहे हैं 25%. तो imagine कर लो जरा फिर हमारे उससे क्या consequences हो रहे हैं. Temperature को भी maintain करते हैं forests, आपकी rainfall ज़्यादा करते हैं. और डेफिनेटली बहुत सारे काम करते हैं. गोल नंबर 16, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. सो जे एमडीजीज में भी जिस तरह ये गोल था इसी से रिलेटेड कि जनाब हमने पूरी दुनिया के अंदर पीस को एस्टैब्लिश करना है और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है और जनाब जस्टिस लेके आना है, विच अगेन इज वेरी वेरी काइंड ऑफ पोलिटिकल. जैसे हम कश्मीर का इशू अगर देखें, पैलेस्टाइन का इशू देखें, बॉस्निया बहुत अरसे तक एक इशू रहा, और भी बहुत सारे डिस्प्यूटेड कंट्रीज हैं दुनिया में, सिर्फ यही नहीं है और भी बहुत सारे हैं. तो इट सीम्स फार फ्रॉम बीइंग रिजॉल्व्ड कि 2030 तक कुछ ऐसा हो जाए, बट बहरहाल लेट्स होप एंड प्रे एंड सी कि कुछ बेहतर अगर हो जाए. लास्ट गोल है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स. जो एमडीजीज में भी लास्ट गोल था कि जनाब जब तक हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े नहीं होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी मैं कंट्री लेवल पे नेशनल लेवल पे बात करूं, तो तब तक जनाब ये गोल्स को अचीव करना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. और अगेन बेटे जैसे मैं कल भी आपको समझा रहा था कि इट हैज अ लॉट टू डू विद द पॉलिटिक्स, इट हैज अ लॉट टू डू विद द इकोनॉमिक्स, इट हैज अ लॉट टू डू विद द लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज अ लॉट टू डू विद द विद हु विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर एंड हु विल नॉट बी. सो इसके अंदर ये बहुत बहुत ज्यादा यू नो एक पूरी विशियस साइकिल इन्वॉल्वड है. इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स टू बी. कंट्रीज के अंदर अपनी पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स अलहदा है, फिर एक दूसरे से आगे बढ़ने का कंपटीशन है कंट्रीज के अंदर. अब अगेन अगर हम इस करंट कोरोना को डिस्कस करें इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में, तो जनाब पहले शुरू में ये आ रहा था कि कोरोना पता नहीं यूएस ने प्रॉब्ली एक मैन मेड वायरस है. अब ये आ रहा है कि जी हाउ कम चाइना वॉज सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर टैकलिंग सच अ वायरस, और इतना बड़ा एक 1200 बेड का हॉस्पिटल वो उस प्रोविंस में पहले भी बनाए थे जहां से कोरोना स्टार्ट हुआ. सो यू नो यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि प्रोबेबली पूरी दुनिया को यू नो पीछे करने के लिए चाइना ने खुद से कोई कॉन्स्पिरेसी की है मे बी. सो इस तरह की थ्योरी भी एक आ रही है. सो आई एम नॉट सेइंग कि वो वाली थ्योरी सही है या वो वाली थ्योरी सही है या इट इज समथिंग नेचुरल. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी कि दोनों तरह के स्कूल्स ऑफ थॉट हैं. सो यू नेवर नो. अच्छा जी कोई 4 मिनट 45 सेकंड हमारे पास रह गए हैं. मैं फोरम ओपन कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, फिर आप मुझसे पूछ लो जो भी पूछ. जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा होती है. 10 मिलियन मींस 1 करोड़. मेगा सिटीज का मैंने ये बताया था कि 1990 के अंदर पूरी दुनिया में देयर वर 10 मेगा सिटीज. कितने थे? 10. सिर्फ 10 ऐसे शहर थे जिनकी आबादी, जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा थी. 2014 के स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली पूरी दुनिया में 28 ऐसे शहर हैं, 28, जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है. पाकिस्तान के दो सिटीज उसके अंदर आते हैं मेगा सिटीज के अंदर, वन इज कराची एंड द अदर वन इज लाहौर. ठीक है. अच्छा इसके साथ ही मुझे याद आ गया है, मंडे से इंशाल्लाह ताला कमिंग मंडे से आपकी जो ईपीएच की क्लास है वो अपने टाइम पे होगी. मंडे को भी और ट्यूजडे को भी हमारी वो लास्ट क्लास होती थी 1:30 या 2 o'clock वाले स्लॉट में. तो जनाब उसी टाइम पे हमारी क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह. इनवाइट भी मैं कोशिश करूंगा, लिंक आपको पहले भेज दूँ उसका. ठीक है जी. 1:30 और 2 o'clock मंडे एंड ट्यूसडे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से. और अगेन एज यूजुअल ये लेक्चर में अभी कुछ काफ़ी सारे लोगों ने लेट ज्वाइन इन किया है, तो ये लेक्चर जनाब मैं इसको डालने वाला हूँ सून आफ्टर यूट्यूब के ऊपर. सो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, अगर कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं या आपका इंटरनेट का कोई इशू था, तो आप इस लेक्चर को बाद में सुन सकते हैं यूट्यूब से. अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन. तैयार हुई बेटे क्वेश्चन.
सर वो जो आपने बिजनेस का नाम बताया था, जो कंट्रीज करती हैं वो वाले बता दे रिपीट किस चीज का करके। नाम बेटे, किसका नाम? वो जो आपने बताया था कि हर 8 मिनट बाद कोई लड़की में ओके सजाती है ओके 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 इंडिया इंडिया की मैं बात कर रहा था कि आफ्टर एवरी 8 मिनट्स अ गर्ल चाइल्ड गोज मिसिंग। इंडिया में आफ्टर एवरी 8 मिनट्स अ गर्ल चाइल्ड गोज मिसिंग। और डेफिनेटली वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उन बच्चियों को किडनैप करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए डिफरेंट कंट्रीज में ले जाते हैं जबरदस्ती, और फिर उनसे जाहिर है वो दे गेट मनी फ्रॉम दैट बिजनेस। तो आपने उसको कोई स्पेसिफिक नाम बताया था ट्रैफिक कुछ बोल के, वो रिपीट कर दूं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है बेटे? मैंने कहा था रैकेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रैकेट्स कहते हैं, यू नो क्या कहते हो तुम, गिरोह को कहते हैं जो ऐसे इस तरह के काम करते हैं, रैकेट्स मैंने कहा था, टर्म यूज की थी। ठीक है अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन? वी हैव 1.5 मिनट्स लेफ्ट। जी जनाब कोई क्वेश्चन? बहुत आसान है, सब समझ आ गया है? यस सर। दैट्स गुड, इसका मतलब है मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया। यस सर इंडीड। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ बेटे, ठीक है ओके बेटे, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला मंडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। Meanwhile, please, please, please stay safe. Stay indoors until it is genuinely an emergency. There is no need to step out of your homes. और क्योंकि अगेन देखो आप तो ये EPH का कोर्स पढ़ रहे हो, सो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी लोगों से इस वक्त ज्यादा है। यू नीड टू टेल पीपल अराउंड, यू नीड टू मेक पीपल अवेयर। ठीक है जी, सो स्टे सेफ, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।